हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार शेयर लेके आया हूँ, जिसने अभी यहाँ पे कुछ वक्त पहले ही अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे स्प्लिट दिया है 1:10 का। तो जिसके पास पहले एक शेयर था, वो अभी यहाँ पे 10 शेयर हो चुके हैं। और अभी आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही सही मौका है। अभी इसकी कीमत जो चल रही है वो 29 रुपीज़ 15 पैसा चल रही है, और इस शेयर का जो रियल वैल्यू है वो है अबाउट 300 रुपीज़ प्लस। और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें अभी बाय करते हैं तो आपको बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छी एक सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी आपको मिल सकती है, अगर आप इसमें भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के नाम के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कैसे कंपनी को अभी यहाँ पे जो है एक नया प्रोजेक्ट भी मिला है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को जो है अभी यहाँ पे शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी आप भी अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में और फेयर इनफ वैल्यू पर खरीदते हैं, तो आपको भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक वॉच टाइम सब्सक्राइबर मिलेंगे जो पूरी तरह से नॉन ड्रॉप रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी के नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम निकल के आ रहा है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर लिमिटेड। और यहाँ पे कंपनी ने जो है नवाब में एक नया यहाँ पे जो है सर्कुलर अपडेट किया हुआ है NSE के लिए और BSE के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कंपनी को यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिला है, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसके कंपनी की 2,132 करोड़ रुपीज़ की है। और इसके अंदर यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 2 साल का कंस्ट्रक्शन का काम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। और कंपनी ने जो है यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 10% का काम भी कंप्लीट कर दिया हुआ है, और बचा हुआ काम भी जल्दी पूरा कर देगी। कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है इसका पूरा रियल वैल्यू, पूरी फुल वैल्यू जो है वो 9,714 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो पूरी वैल्यू है वो इतनी निकल के अभी यहाँ पे जो है मिल रही है, सॉरी हाफ वैल्यू जो मिल रही है वो 2.5 साल में इतनी मिलने वाली है। और इसका कंपनी का जो पूरा टोटल टेंडर निकल के आया है वो है 20,892 करोड़ रुपीज़ का। तो कंपनी को जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक शानदार टेंडर मिला हुआ है, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुजरात स्टेट ने दिया हुआ है टोल बनाने के लिए और रास्ता NH27 के लिए, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से भी ये रिपोर्ट आ चुकी है। तो आपको जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इनके फंडामेंटल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भी जो फंडामेंटल निकल के आ रहे हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के, तो वो भी यहाँ पे जो है शानदार निकल के आ रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करती है, मेंटेन रोड को मेंटेन करना, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट में कंपनी जो है अग्रेसिवली काम करती है। इसी के साथ अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो मिड कैप लेवल का ये मार्केट कैप है, और अभी स्प्लिट देने की वजह से इस शेयर का जो मार्केट यहाँ पे प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। पेनी स्टॉक टाइप हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें 17,664 रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास है। 52 वीक हाई 35 का, 52 वीक लो जो है ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर हम 52 वीक यहाँ पे सॉरी स्टॉक पी की अगर हम बात करेंगे 23 निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू 21 रुपीज़ की है, और फेयर इनफ वैल्यू पे ही अभी ट्रेड चल रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है, कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद, तो आपको जो है यहाँ पे अपना पैसा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है। ROC ROE इसके दोनों ही दोनों पॉजिटिव हैं और 10% के आसपास ही हैं। फेस वैल्यू अभी 1 रुपीज़ की बची हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है 16,000 का। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करती है, और प्रोजेक्ट्स इसके सारे के सारे बहुत ही बड़े लेवल पर रहते हैं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे करते हुए अपना पेमेंट जो है रिलीज़ करती है। तो ऐसे वक्त के लिए बाहर से यहाँ से पैसा लेना पड़ता है कंपनी को, तो यहाँ पर भी वही सेम बात है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार बात यह है कि कंपनी के पास डेप्थ के बराबर को यहाँ पर जो है रिजर्व भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास यहाँ पर शानदार रिजर्व भी मौजूद है, ऑलमोस्ट 12,419 करोड़ रुपीज़, यानी 12,500 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पे रिजर्व भी मौजूद है। कंपनी का EPS वगैरह बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो हम यहाँ पे इसे डेप्थ फ्री ही कंसिडर कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी यहाँ पे 22 का निकल के आ रहा है। फॉरेन होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% की इसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन कंपनियाँ कर रही है तो कंपनी में कुछ तो कुछ शानदार बात है ही है। तो आपको जो है यहाँ पे डरना नहीं है, ना ही घबराना है, आपको यहाँ पे बस पैसा इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है।
और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक होल्डिंग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% की डोमेस्टिक होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 34% की होल्डिंग है। तो कंपनी की पूरी ओवरऑल जो फंडामेंटल सिग्नल क्या आ रहे हैं बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन वन ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 35% का दिया है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% की है सॉरी 4% की यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के दिया है। और इस बार का जो क्वार्टर ऑन रिजल्ट निकल के आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर बेसिस पे तो 141 करोड़ रुपीज़ का है। इतना शानदार यहाँ पे जो है परसेंटेज निकल के आ रहे हैं, नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो कंपनी जो है ख़राब तो हो नहीं सकती। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम है और बेस्ट शेयर है। आपको जो है यहाँ पर आँख बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे इसके कंपटीशन की बात करें तो इसके कंपटीशन में ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है और यहाँ पे कंपनी का बहुत ही कम यहाँ पे जो इसका प्राइस निकल के आ रहा है। और इसके कंपटीशन में आप देख सकते हैं इरकॉन है, जैसे जो रेलवे के लिए फाइनेंस करने वाली कंपनी को भी इस कंपनी ने जो है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के लिए काम करती है इरकॉन कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल, तो ये उसको भी यहाँ पे जो है टक्कर देते हुए फर्स्ट पोजीशन पे बना के बैठे है। तो कुछ कंपनी में बात है, आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो इसके नंबर जो निकल के आते हैं बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बहुत ही है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार अपनी यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स है वो भी यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। ओपीएम जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकल के आ रहा है 44% का यहाँ पे निकल के आ रहा है, बहुत ही शानदार नंबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट को इन्होंने कंपनी को पिछले साल से इस साल में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कर दिया है। डिविडेंड कंपनी लगातार देती हुई आ रही है तो हम यहाँ पे इस शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं और अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भूल भी सकते हैं क्योंकि कंपनी पूरी तरह से ओवरऑल फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी शेयर में जो है एक्टिव है, तो हम यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।